Okay, hi everyone. Let's start with our today's chapter, The Rise of Nationalism in Europe. A good news about this chapter, you have studied most of its part in your class 9 when you studied French Revolution. तो जब हम लोगों ने French Revolution पढ़ा था ना class 9 के अंदर, तब ये chapter काफी ज्यादा हमने complete कर लिया था. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो इस चैप्टर में से जो पहला सवाल आता है वो इसी पैराग्राफ में से आता है. तो ये पैराग्राफ को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दिस पिक्चर. क्या समझ आ रहा है हमें ये पिक्चर देख करके? क्या समझ में आ रहा है हमको ये पिक्चर देख के? देखो, यहाँ पर गॉड है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी? क्या मतलब होता है फ्रेटर्निटी का? फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड. ओके, तो यहां पर गॉड है, यहां पर विंग्स वाली एक लेडी है, यहां पर लिबर्टी दिखा रहा है, यहां पे बहुत सारे लोग हैं, फ्लैग्स हैं अलग अलग कंट्रीज के. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ ड्रीम वर्ल्ड. व्हाट इज अ ड्रीम वर्ल्ड? एक ऐसी दुनिया जो कि सिर्फ सपनों में नजर आती है. द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. प्लीज नोट डाउन हियर, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. इसका मतलब ये इन देशों में कैसा गवर्नमेंट होगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा. यहाँ पर सोशलिज्म चलेगा. और तीसरी चीज, यहाँ का हेड लोग खुद से इलेक्ट करेंगे, जो कि रिपब्लिक का मतलब होता है. द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो. तो ये एक तरीके का अग्रीमेंट है जो नेशंस ने आपस में किया है. ये फ्रेडरिक सोरियो जो इंसान है ना, ये हमेशा क्वेश्चन लेकर के आता है पेपर में. ठीक है, हमेशा तुम्हें इसके ऊपर तो एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा. मोस्टली यू विल फाइंड MCQ, ज्यादातर MCQ आता है फ्रेडरिक सोरियो पर. क्या क्वेश्चन आएगा कि जी ये फ्रेडरिक सोरियो कहाँ से बिलोंग करता था? तो कहाँ का था ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, फ्रांस में रहता था. वहां पर बैठ करके इसने एक पिक्चर बनाया, एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया, जिसके की 4 प्रिंट्स थे. एक सीरीज बनाई जिसमें उसने कहा कि आने वाले टाइम में दुनिया ऐसी दिखेगी. इसने बोला कि आने वाले टाइम के अंदर ना हमारे को पूरे देश के अंदर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक मिलेंगे. मतलब हर एक कंट्री पर उसके लोग राज करेंगे. कोई राजा नहीं होगा, कोई कॉलोनी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा. वहाँ के खुद के लोग वहाँ पर राज करने वाले हैं. जो इसने पहला प्रिंट बनाया वो दिखाता है यूरोप और अमेरिका को, जहाँ पर मेन हो चाहे वेमेन हो, किसी भी एज की हो, कोई भी सोशल क्लास की हो, ठीक है, कोई कास्ट क्लास कुछ मैटर नहीं करता, आपका जेंडर मैटर नहीं करता, इक्वालिटी दिखाई उसने. यूरोप और अमेरिका का बनाया पहला प्रिंट, जहाँ पर कि सारे मेन वेमेन सभी एजेस के दे वर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. इसका मतलब यूरोप और अमेरिका के जितने भी लोग थे, जितने भी देश आते हैं यूरोप के अंदर, जितने भी लोग थे, उन सबको क्या मिल गया था? उन सबको लिबर्टी मिल गई थी. ठीक है, सब लोगों को यहाँ पर लिबर्टी मिल गई थी यूरोप और अमेरिका के. आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. तुम्हें याद है हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जब सिंबल्स पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर लिबर्टी को हम एक वुमेन की तरह दिखाते हैं ना. एक वुमेन देखी थी हमने जो कि आज लिबर्टी शो करते थे. तो हम लोग वहीं से ये तरीका, ये ट्रेंड शुरू हो गया कि लिबर्टी को हम एज अ फीमेल फिगर दिखाएंगे हर जगह पर. हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बेयर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड. अब अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अपना क्लास 9 याद है, तो जरा सा इस पिक्चर को जूम करके देखो बेटा. ये वाले पिक्चर की बात कर रहे हैं हम. इसके इस हाथ में तो एनलाइटनमेंट का टॉर्च है कि अब मेरे देश के सारे लोग बड़े समझदार हो गए, उनको हर चीज की अक्ल है, वो लोग एनलाइटन्ड हैं, दे आर अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स. और दूसरी जगह पर ये क्या चीज है? दिस इज द राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि राइट ऑफ मैन एंड वुमेन दिया गया था लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर. तो ये वही चार्टर है. ठीक है,
तो ये क्या दिखाता है कि यहाँ के सारे लोग आजाद हो गए हैं, सबके पास में इक्वालिटी, लिबर्टी, सब कुछ है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब ये देखो, व्हाट इज दिस, ये वाला चीज देखो, इसको जरा और जूम करते, ये क्या दिख रहा है, राजा का क्राउन दिख रहा है ना, है ना, जैसे पुराने टाइम में राजा लोग क्राउन पहना करते थे, वो दिख रहा है। तो इसने क्या बोला कि जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर सारा का सारा पावर एक ही इंसान के पास में है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर सारा का सारा पावर किसके पास है, मेरे पास है, मैं जैसे चाहूँ मैं वैसे पढ़ाऊँ, मैं पिज्ज़ा खाते हुए पढ़ा सकती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए भी पढ़ा सकती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। तो ऐसे ही एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है सारा पावर एक ही इंसान के हाथ में है, जो कि वहाँ का राजा या वहाँ की रानी है, ठीक है। तो इसने बोला कि ऐसा सिस्टम हमें चाहिए ही नहीं, हमें एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए। तो उन सबके यहाँ पर रिमेन्स है, बचे कुचे जो वो बच गए उनको पूरे तरीके से शैटर कर कर यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन इतना अच्छा वर्ल्ड व्यू बनाने के बावजूद भी इसमें एक छोटू सा प्रॉब्लम था। वो छोटू सा प्रॉब्लम ये था कि इन सॉरियोज यूटोपियन विजन, अब ये यूटोपियन वर्ड समझते ही मुझे पता लग जाना चाहिए कि ये क्या है, एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि ये इतना परफेक्ट था कि कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस वॉज सो आइडियल दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन दिस टू एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। मतलब ये वैसी दुनिया हुई जिस दुनिया में कोई चोरी नहीं करता, कोई मर्डर नहीं होते, कोई रेप्स नहीं होते, कोई क्राइम्स नहीं होते, लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। क्या ऐसी दुनिया तुमने देखी है आज तक? मैंने मेरी 21 साल की जिंदगी में नहीं देखी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जहाँ पर ह्यूमंस हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें तो होंगी। तो इसी चीज़ के बेसिस पर हम सॉरियो की इस पिक्चर को करते हैं क्रिटिसाइज। कैसे क्रिटिसाइज करोगे कि सर फ्रेडरिक सॉरियो, नाम तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन काश काम भी उतने अच्छे होते, जैसे पिक्चर आपने बनाई है ना वो इतनी आइडियल है कि कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती सर, थोड़ा तो प्रैक्टिकल हो जाते, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका ये जो विजन है ये थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है और ज्यादा फेमस नहीं हुआ। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो इसने कहा कि हर किसी के पास में देखो अपना एक फ्लैग होगा, अपनी एक पहचान होगी, ठीक है, अपना झंडा, अपनी पहचान, ये सब होगा। Leading a procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by the time were already nation states. तो इसने बोला जिसने जिस टाइम पर ये पिक्चर बनाई थी उस टाइम पर ये लोग ऑलरेडी नेशन स्टेट्स थे। कौन कौन? USA और स्विट्जरलैंड। इसने बोला कि ये तो इस लिबर्टी से भी आगे निकल गए हैं, इस लिबर्टी को भी क्रॉस करके इन्होंने सारी चीज़ें एक्चुअली एक्सेप्ट कर ली, और USA और स्विट्जरलैंड खुद ही अभी से ही नेशन स्टेट्स हैं। फ्रांस के पास में एक ट्राई कलर फ्लैग है जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच ही गया है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी वेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो पहले कौन गया? यूएसए गया, यूएसए के पीछे स्विट्जरलैंड आया, स्विट्जरलैंड के पीछे फ्रांस आया, फ्रांस के पीछे जर्मनी आ रहा है, और धीरे धीरे करके बाकी सारे नेशन इस तरीके से आ रहे हैं। Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German people did not exist as a united nation. अब ये महाराज इतने अंतर्यामी थे, इतनी इनके पास में यू नो जादुई शक्तियाँ थी कि जिस टाइम पर जर्मनी एक नेशन भी नहीं हुआ करता था उस टाइम पर इन्होंने जर्मनी को अपना फ्लैग पकड़ा दिया, जर्मनी को एक यूनाइटेड नेशन बना दिया। और जो फ्लैग जर्मनी कैरी कर रहा है वो क्या है? वो बस एक उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो चीज़ को काफ़ी लिटरल लिया हमारे फ्रेडरिक सॉरियो ने, और इन्होंने बताया कि लिबरल होप्स की बस एक उम्मीद है वो झंडा जर्मनी के लोगों के हाथ में, ताकि एक दिन वो भी एक बड़ा सारा नेशन स्टेट बन जाएंगे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी के बाद में आ रहा है कौन? ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलिसेस, लंबाडी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। मतलब ये चल रही है भेड़ चाल, और एक के पीछे एक, दूसरे के पीछे दूसरा, ये सारे कंट्रीज एक ही चीज़ की डिमांड में। किस चीज़ के डिमांड में?
लिबर्टी की डिमांड में हम लोग एक नेशन स्टेट बन जाएंगे, फिर हम लोगों को लिबर्टी मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी और ऑटोक्रेटिक रिजाइम एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसी चीज़ की उम्मीद में ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बाकी सारे कंट्रीज भी इनके पीछे लग रहे हैं। ये था इसका विजन। इस विजन को हेवन से कौन देख रहा है? हेवन क्या होता है? स्वर्ग से। स्वर्ग से कौन देख रहा है? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, सेंट, एंजल्स, जैसे कि हमारी गार्जियन एंजल होती है, ये सारे लोग ऊपर से इस सीन को देख रहे हैं कि वाह वाह क्या नज़ारे, मज़ा आ गया सच्ची कसम से। ठीक है, तो ये लोग इस सीन को देख रहे हैं कि देखो हमारे बनाए हुए लोग कितने समझदार हो गए हैं, कोई आपस में नहीं झगड़ रहा, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा, सब लोग मिलजुल कर अच्छे से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसा सीन ऊपर से क्राइस्ट, सेंट और एंजल्स देख रहे हैं। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations. मतलब लोगों में आपस में सब में भाईचारा है। तो ये था हमारे फ्रेडरिक सॉर्यू सर का विजन। कहाँ से बिलोंग करते थे फ्रेडरिक सर? फ्रेडरिक सर कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। मैं तुम्हें जरा सा एक हेड्स अप दे दूं। हेड्स अप ये है बच्चा कि तुम लोग जब इस चीज़ को गूगल करोगे, बिकॉज आई नो तुम लोग करोगे, तो जब तुम लोग इस चीज़ को गूगल करोगे तो तुम्हें गूगल में बहुत सारी जगह पर फ्रांस फ्रेडरिक सॉर्यू की नेशनैलिटी गलत दिखाई देगी। करेक्ट नेशनैलिटी क्या है? फ्रांस है। करेक्ट नेशनैलिटी फ्रांस है, पहले ही बता रही हूँ, बाद में खुद को बुद्धू मत बनाना। ठीक है, तो अब ये चैप्टर यही चीज़ें डिस्कस करता है कि जो हमारे फ्रेडरिक सर थे वो कितने बुद्धू थे, उन्होंने क्या क्या गलत विजन्स दिखाए 19th सेंचुरी में जब नेशनलिज्म की भावना इमर्ज होने लगी, क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए, क्या क्या मेंटल और पॉलिटिकल चेंजेस आए, यूरोप का पूरा दुनिया किस तरीके से बदल गई थी और इस चीज़ का एंड रिजल्ट क्या था? एंड रिजल्ट ये था बहुत सारे नेशन स्टेट्स बन गए थे। पहले क्या हुआ करता था? डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे। एम्पायर का मतलब होता है राजाओं का रजवाड़ा हुआ करता था, राजा उसकी प्रजा और उसकी टेरिटरी हुआ करती थी। लेकिन अब 19th सेंचुरी के एंड तक सारे के सारे स्टेट्स नेशन स्टेट्स बन गए थे, इंडिविजुअल कंट्रीज बन गए थे। उसी टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज भी हो गई थी जिनकी आज हमें कैपिटल्स याद करनी पड़ती हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control. What is sovereign control, guys? Sovereign control means the utmost power. सबसे ज़्यादा power किसके पास रहेगी modern state में? लोगों के पास रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारी country में है। लेकिन एक nation state एक ऐसा state होता है जहाँ पर ज़्यादातर power उसके citizens के पास रहती है, rulers के पास नहीं रहती। आज मेरी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट तो है, लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर कंट्री के लोग चाहें तो उस प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से रिमूव कर सकती हैं। सो दिस बेसिकली मींस ज़्यादातर पावर किसके पास में है? कंट्री के सिटीजन्स के पास में है, रूलर्स के पास में नहीं है। अब एक बात थी, वो बात ये थी कि एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप करना था। अब कैसे कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप किया जाए? आज मैं राजस्थान में रहती हूँ, ठीक है, मान लो कि अनंत रहता है बिहार में, ठीक है। अब मेरे और अनंत के अंदर क्या कॉमन है? कोई कॉमन आइडेंटिटी है क्या हमारी, सिवाय ये कि हम दोनों इंसान हैं? प्लीज़ ये मत बोलना कि आप दोनों ही इंसान हो, बहुत ही बुरा, बहुत ही लेम जोक हो जाएगा। हम दोनों को आपस में ना एक कॉमन आइडेंटिटी देखनी है कि आप कैसे देखेंगे। अरे हम कह सकते हैं कि वी बोथ आर इंडियंस। मान लो कि मैं और अनंत किसी बाहर फॉरेन नेशन में मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं, सो आई बी लाइक ओ हाय अनंत, हाय मुस्कान मैम, तो वी बोथ बी लाइक कि हम तो इंडियंस हैं, सो वी हैव दिस कॉमननेस, है ना, वो अपने आप ही फ्रेंडलीनेस की फीलिंग आ जाती है। लेकिन अब उस टाइम पर लोगों के बीच में एक ऐसी कॉमन चीज़ कहाँ से पैदा की जाए? कौन सा ऐसा कॉमन सेंस, कॉमन आइडेंटिटी किस तरीके से लोगों के बीच में लाई जाए? This commonness did not exist from time immemorial. मतलब बहुत पुराने टाइम से ऐसा कोई commonness exist करता ही नहीं था। कैसे लाएं? तो फिर धीरे धीरे करके लोगों ने सबको बताया कि तुम भी परेशान, हम भी परेशान, तुम भी दुखी, हम भी दुखी, तो दुखी दुखी भाई भाई करके लोगों ने आपस में एक तरीके की कॉमन फीलिंग जनरेट करी। तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम दोनों का एम एक ही है कि हम इस मोनार्की को उठा करके फेंक दें।
ठीक है, यही हमारा एम है। अब बेटा तुम लोग हो गए हो क्लास 10 के अंदर, तो ये जो सोर्स ए यानी कि ऐसे जो तुमको बॉक्सेस दिखते हैं तुम्हारी बुक के अंदर, प्लीज़ इनको इग्नोर ना करें, इन बॉक्सेस को पढ़ लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा इसमें से मैं ज़रा तुम्हें बता देती हूँ। अर्नेस्ट रेनन नाम की एक इंसान थे जिन्होंने बताया था कि नेशन क्या होता है। तो इन्होंने बोला कि नेशन क्या है, हमारे सैक्रिफाइसेस डिवोशन का एक कल्मिनेशन है। हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, जिन सबका सेम पास्ट है, सब एक सब लोग किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी के रहने वाली जगह को बोला जाता है नेशन। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइड, अ प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स। इफ एनी वन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज द इनहैबिटेंट, मतलब यहाँ पर सारा का सारा पावर रहेगा वहाँ पर रहने वाले लोगों के पास में। वॉट इज प्लेबिसाइड? प्लेबिसाइड होता है अ डायरेक्ट वोट जहाँ पर कंट्री के लोग किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ था, याद है रेफरेंडम, वैसा ही प्लेबिसाइट होता है। जैसा हम लोगों ने क्लास 9 में रेफरेंडम पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही प्लेबिसाइट होता है। लोगों को एक प्रपोजल दिया जाता है, जैसे कि आई एम गोइंग टू बी योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डू यू एक्सेप्ट मी? सो व्हाट यू हैव टू से, ईदर यू विल से यस और नो, तो इसको बोलते हैं हम प्लेबिसाइट। तो अभी तक की कहानी में हमने क्या पढ़ा बच्चे, अभी तक की कहानी में हमने ये पढ़ा, फ्रेडरिक सॉरियो नाम का एक इंसान था जिसने एक सोसाइटी बनाई जो कि इतनी परफेक्ट थी कि कभी वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी। उस सोसाइटी में उसने दिखाया कि नेशन स्टेट्स बन गए हैं, सब कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई हैं, सबके पास में लिबर्टी आ गई है, ऑटोक्रेटिक रिजाइम यानी कि राजा का रूल पूरे तरीके से तबाह हो गया है, और आने वाली कंट्री के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर 19th सेंचुरी के एंड तक नेशन स्टेट्स एक्चुअली बनने भी शुरू हो गए। नेशन स्टेट्स क्या होता है? हर किसी कंट्री का अपना अलग सेपरेट बनना बेस्ड ऑन योर कॉमन हिस्ट्री एंड योर कॉमन आइडियाज। ये यहाँ तक की कहानी में हमने पढ़ा। यहाँ तक तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे बनेंगे, पहली चीज तो आएगा नेशनैलिटी ऑफ फ्रेडरिक सॉरियो। फ्रेडरिक सॉरियो की नेशनैलिटी क्या थी? दूसरा था कि यूटोपिया क्या होता है। तीसरा आएगा क्वेश्चन कि फ्रेडरिक सॉरियो ने जो सोसाइटी बनाई थी, जो आइडियल सोसाइटी बनाई थी, वो कैसी थी, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो तुम बताओगे उसमें यूएसए और स्विट्ज़रलैंड बहुत आगे पहुंच गए थे, फ्रांस धीरे धीरे करके लिबर्टी तक पहुंच रहा था, फ्रांस के पीछे जर्मनी था, जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया था, फिर लोम्बार्ड और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज थे, और उनके ऊपर एंजल्स, क्राइस्ट, सेंट्स, ये सब लोग उस चीज़ को देख रहे थे कि कितनी ज़्यादा फ्रेटर्निटी है हमारे लोगों के बीच में। ये आएगा। इसके बाद में तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है प्लेबिसाइट पर कि प्लेबिसाइट क्या होता है। फिर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन व्हाट डू यू मीन बाय अ नेशन। तीसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ नेशन और व्हाट आर नेशन स्टेट्स। कूल, यहां तक ये क्वेश्चंस बनते हैं और यहां तक इन क्वेश्चंस का आंसर भी दिया हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है, व्हाट आर ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स। बस एमसीक्यूज के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ट्रस्ट मी, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ताकि आप डेली के एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओ। वर्कशीट तुम्हें बताइए कहाँ मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी और सीरियसनेस के साथ में और पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ट्रस्ट मी, दिस इज सुपर इजी, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या हुआ था फ्रांस में 1789 के अंदर, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई 16। लुई 16 के अगेंस्ट लोगों ने क्या किया, लोगों ने रिवोल्ट किया, उसको हटा दिया और फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से भी शांति नहीं मिली तो लोगों ने मोनार्की हटा करके फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया 1792 के अंदर। रिपब्लिक बनाने के बाद में 1804 के अंदर आए हमारे नेपोलियन सर, जिन्होंने आकर के यहाँ की डेमोक्रेसी का सत्यानाश कर दिया। चलो अब जरा सा पढ़ लेते हैं कि फ्रांस के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे कैसे करके फ्रांस को लिबर्टी मिली और कैसे फ्रांस ने लोगों को इंस्पायर किया, बाय लोग आई मीन कंट्रीज, कैसे इंस्पायर किया। तो सबसे पहली भावना नेशनलिज्म की शुरुआत होती है फ्रेंच
रेवोल्यूशन से जो कि हुआ था 1789 के अंदर। अगर तुम्हें याद है ये डेट तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ खुद को मेरी तरफ से खींच के चांटा लगा लो, क्योंकि 9th क्लास में बहुत अच्छे से याद कराया गया था कि बेटा सिंपल काउंटिंग है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक बड़ा सारा टेरिटरी हुआ करता था उस टाइम पर फ्रांस का, काफ़ी फैला हुआ कारोबार है, काफ़ी बड़ा कारोबार है। ठीक है, काफ़ी बड़ा कारोबार हुआ करता था। यहाँ पर एक राजा रूल करता था जिसका नाम था लुई 16। यहाँ की चीज़ें लोगों ने थोड़ी सी चेंज करी और क्या किया, राजा से पावर लेकर के ट्रांसफ़र कर दिया फ्रेंच सिटीजन्स को जब फ्रांस बना रिपब्लिक 1792 के अंदर। यहाँ से ये रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, लोगों ने अपना खुद का नेशन बनाया और कहा कि आज से इसकी कहानी मैं लिखूँगा, मतलब तेरी अग्गे दी कहानी तू मेरे ते छट दे, वही वाला गाना है यहाँ पर भी कि इसके आगे फ्रांस के साथ जो जो होगा वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, फ्रांस के खुद के सिटीजन्स। शुरुआत से ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि फ्रांस के लोगों के बीच में किसी तरीके की कलेक्टिव आइडेंटिटी हम बिल्ड कर पाए। क्या किया उन्होंने, उन्होंने द आइडियाज ऑफ ल पार्टी यानी कि द फादरलैंड, द पैट्री और द सिटोइन, द फादरलैंड एंड सिटीजन, इस चीज़ के आइडियाज़ को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया जिससे कि लोगों में थोड़े से इक्वल राइट्स भी मिले लोगों को उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। फिर इन्होंने बनाया फ्रांस का फ्लैग। फ्रेंच फ्लैग कैसा है, ट्राई कलर का है, कौन कौन से कलर्स हैं उसके अंदर, रेड, वाइट और ब्लू, ये तीन कलर्स हैं हमारे फ्रांस के फ्लैग के अंदर, रेड वाइट और ब्लू। आई होप यू रिमेंबर दिस, इफ़ यू डू नॉट फिर से एक चांटा लगा लो खुद को क्योंकि ये तुम्हें याद होना चाहिए। सो दिस फ्लैग वॉज चोजन टू चेंज द रॉयल स्टैंडर्ड। तो लोगों ने बोला कि अब ये फ्लैग हमारी आइडेंटिटी बनेगा, जो पुराना फ्लैग था जिसके अंदर राजा वाजा शो होते हैं वो नहीं चाहिए, बिल्कुल बेकार, आउट ऑफ ट्रेंड, उठा करके फेंक दो। ठीक है, द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। अब ये मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि स्टेट्स जनरल क्या होता है, बिकॉज दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी वॉट इज स्टेट्स जनरल। तो स्टेट्स जनरल जो भी चीज़ थी इसका नाम बदल करके इन्होंने रख दिया नेशनल असेंबली। नए गाने लिखे, नए हिम्स लिखे, ओथ्स लिखे, हर चीज़ ट्रांसफॉर्म करी इन्होंने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करी, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया जहाँ पर कि सारे सिटीजन्स के लिए सेम लॉज थे। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो कि फ्रांस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू 3 states, नहीं याद है तो फिर से चांटा लगा लो। फ्रांस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू 3 states, पहला था क्लर्जी, दूसरा था नोबिलिटी और तीसरा था कॉमन मैन। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन ही टैक्सेस पे किया करते थे, ये दोनों टैक्सेस पे नहीं करते थे। तो जो नया सिस्टम आया, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम आया, उसमें इन्होंने क्या कहा, उसमें कहा कि जो भी रूल होगा सबके लिए सेम होगा, यूनिफॉर्म लॉज फॉर एवरी सिटीजन, हर किसी के लिए बराबर लॉज हैं। कस्टम ड्यूटीज, ड्यूज, ये सब हटा दिए और कहा कि वेट और मेजर का भी यूनिफॉर्म सिस्टम है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वेट और मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम कितना होता है। इसका मतलब ये है बेटा कि मान लो मैं राजस्थान में रहती हूँ, मतलब मान नहीं लो, मैं एक्चुअली राजस्थान में रहती हूँ, तो यहाँ पर लेट से कि 1 meter के अंदर, मान लो मैं एक मीटर कपड़ा खरीद रही हूँ तो मुझे उसमें इतना क्लोथ मिला। ठीक है, सो दिस इज द सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान में तुम 1 meter कपड़ा खरीदोगे तो तुम्हें इतना कपड़ा मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं गई पंजाब, यही वाला कपड़ा लेकर के मैं पंजाब गई और मैंने बोला कि मुझे ये कपड़ा यहाँ पर सेल करना है, तो पंजाब के लोगों ने कहा कि अरे आप बुद्ध हो क्या, दिस इज नॉट 1 meter, दिस इज जस्ट 1/2 meter। तो मैं कहूँगी नहीं नहीं ऐसे कैसे, हमारे राजस्थान में तो इसको 1 meter कहते हैं। सो दे विल बी लाइक, वो आपके राजस्थान में कहते हैं, यहाँ नहीं, ये हमारा एरिया, यहाँ हमारी चलती है। तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारे जो वेट्स और मेजर्स हैं ना, वो भी एरिया एरिया पर डिपेंड करते थे, वो भी चेंज हो जाते थे। मतलब 1 meter कपड़ा, जो इतना कपड़ा यहाँ पर 1 meter है, दूसरी जगह पर वो वही इतना कपड़ा 1/2 meter होगा, कहीं पर वो 1.5 meter भी होगा। तो इस चीज़ से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, है ना, बहुत दिक्कत होती थी।
तुम्हें ट्रेड करना है, तुम्हें कस्टम ड्यूटीज देने पड़ेंगे, फिर तुमको वेट एंड मेजर इस तरीके से रखना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम अप्लाई किया कि ये फालतू की बात छोड़ो, ये कपड़ा जो है ये 1 मीटर है, 1 मीटर ही रहेगा, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब अगर यार मैं राजस्थानी में बात करती हूँ, ठीक है, सामने से मान लो कि लक्षिता को समझ ही नहीं आती यार राजस्थानी, हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? चाहे लक्षिता मुझे कितना पसंद करती हो, मैं लक्षिता को कितना भी पसंद करती हूँ, जब तक हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज सेम नहीं होगी, विल वी बी एबल टू कम्युनिकेट? क्या हम बात कर पाएंगे आपस में? नहीं कर पाएंगे यार, कैसे करेंगे? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यार अपने रीजनल डायलेक्ट छोड़ दो, ये जो तुम्हारी हर 20 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाती है ना राजस्थान में स्पेशली, कहीं मारवाड़ी है, कहीं किसी और मारवाड़ी, कहीं खड़ी मारवाड़ी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो इसको छोड़ दो, कृपया करके सारे लोग या तो हिंदी में बतलाओ या फिर इंग्लिश में बतलाओ, ताकि समझ तो आए। ऐसे ही फ्रांस में इन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज किए और लोगों को कहा कि आप एक कॉमन लैंग्वेज में बात करो, जो कि है ऑफ कोर्स फ्रेंच। फ्रांस में फ्रेंच नहीं बोलेंगे तो कहाँ पर बोलेंगे? द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। अब भाई ये फ्रांस के लोग आए, बड़े ही प्यारे लोग थे, बड़े ही प्यारे लोग थे। कैसे बड़े प्यारे लोग थे? इन्होंने कहा कि हम सेल्फिश नहीं है यार, प्लीज डोंट कॉल मी सेल्फिश, कम ऑन, आई डोंट थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक अबाउट द इंटायर वर्ल्ड। तो फ्रांस के लोगों ने क्या कहा कि हमारा तो ये मिशन है, हमारी तो डेस्टिनी ही ये है कि हम सिर्फ खुद को नहीं लेकिन पूरे यूरोप को इस डेस्पोटिज्म से लिबरेट करवा देंगे। प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि तुम्हें डेस्पोटिज्म का मतलब नहीं पता, बहुत बार चिल्ला चिल्ला कर क्लास 9 में बताया था, बेस्टाइल प्रिजन पर अटैक किया गया था बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द फ्रांस ऑफ द फ्रेंच किंग, मतलब राजा की अनकंट्रोल्ड पावर। तो ये फ्रांस के लोग क्या कहते थे, डिस्पोटिज्म का मतलब होता है अनकंट्रोल पावर। इन्होंने कहा किसी भी इंसान के पास में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो बोले अपनी भगवान है, ठीक है, ऐसा पावर किसी को नहीं देना है। तो फ्रांस के लोगों ने कहा कि हम खुद को भी आज़ाद दिलाएंगे, आज़ाद बनाएंगे और साथ साथ हम पूरे यूरोप को भी आज़ादी दिलाएंगे। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle class began setting up Jacobin clubs. अब जैसे जैसे करके ये खबर फैलने लगी, आग की तरह ये खबर धीरे धीरे करके हर जगह पर फैली। जब ये खबर फैली तो बाकी सिटीज के, बाकी यूरोप के अंदर जो सिटीज थी उन्होंने जैकोबिन क्लब सेटअप करने शुरू किए। जैकोबिन क्लब्स क्या थे, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन, वी आर इन दिस टुगेदर, ऐसी चीजें इन लोगों ने भी सेटअप करी। द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज टू मूव इनटू हॉलैंड। अब ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस को, इतना सपोर्ट कर रहे थे कि धीरे धीरे करके फ्रांस अब हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड हर जगह पर आने लगा था। हर जगह पर फ्रेंच आर्मीज आने लगी थी और वहाँ के लोगों को लिबरेट कराने की कोशिश करने लगी थी। जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच आर्मीज ने पूरा नेशनलिज्म का आइडिया हर जगह पर फैलाया, पूरे यूरोप में फैलाया। तो अब ज़रा सा समअप करके देख लेते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन क्या था। फ्रांस एक ऐसा नेशन था जहाँ से नेशनलिज्म की भावनाएं डेवलप होनी शुरू करी थी। नेशनलिज्म क्या होता है, लव फॉर माई ओन नेशन, ये भावनाएं डेवलप होनी शुरू करी। फ्रांस ने अपने यहाँ पर राजा का रूल हटा करके सॉवरेनिटी लाए थे, जिसके अंदर की सारा का सारा पावर लोगों के पास रहता था। उन्होंने स्टेट्स जनरल हटा दिया, नेशनल असेंबली बनाया जो कि लोग हैंडल करते थे, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, सेम मेजर और वेट सिस्टम आया, यूनिफॉर्म लॉज आए सबके लिए, कस्टम ड्यूटीज हटा दी, कॉमन लैंग्वेज आ गई, ये सारा कुछ फ्रांस में आया। और इस तरीके से फ्रांस के लोगों ने खुद को नेशनलिज्म की भावना से रूबरू किया। और जब फ्रांस वालों को थोड़ी सी सक्सेस मिलने लगी तो उन्होंने कहा कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो चाहते ये हैं कि पूरे यूरोप के अंदर इस खुशी का एहसास हो, हम चाहते हैं पूरा यूरोप ये लिबरलिज्म फील करे। और यहीं से फ्रांस ने धीरे धीरे करके हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड हर जगह पर ये नेशनलिज्म की भावना फैलाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे करके फ्रांस ने ये चीज़ें फैलानी शुरू करी, वैसे वैसे करके नेपोलियन का इंटरेस्ट फ्रांस के अंदर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और फिर आए हमारे नेपोलियन महाराज फ्रांस में और उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, वानिश हो गई, तिलंडी में जल गई, हवा में उड़ गई, ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या बोला, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। कब आया नेपोलियन फ्रांस में,
अभी बताया था, कब आया नेपोलियन फ्रांस में? 1804 के अंदर नेपोलियन फ्रांस में आया। नेपोलियन के आने की वजह से डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, डेमोक्रेसी तो वैनिश हो गई थी, लेकिन नेपोलियन ने कुछ ढंग के काम भी किए थे, कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें भी वो लेकर के आया था जो कि ज़्यादा रैशनल, ज़्यादा एफिशिएंट थी, ज़्यादा अच्छी थी जो अभी तक फ्रांस में चल रहा था। नेपोलियन ने आकर के अपना कोड निकाला जिसको कहा जाता है सिविल कोड ऑफ 1804, ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपको बोर्ड्स तक में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पहली बात तो ये कि सिविल कोड का दूसरा नाम क्या है? नेपोलियनिक कोड, क्योंकि नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था तो ऑब्वियस सी बात है नेपोलियनिक कोड। और कब आया था? 1804 में आया था, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। जब ये कोड आया तो नेपोलियन ने बोला कि ये जो लोग अपने बर्थ के बेसिस पे हवा में उड़ रहे हैं ना, सारे जमीन पे आ जाओ। इसने बोला जिस भी इंसान को सिर्फ बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेज मिल रहा है वो सारा प्रिविलेज खत्म, आज से सबको मिलेगी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब सारे लोग कानून की नजरों में सेम है, कानून की आंखों पे लगा दो पट्टी और सारे के सारे लोग कानून की नजरों में एकदम सेम है, किसी के पास में भी बर्थ प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब जहाँ जहाँ पर भी फ्रांस का राज था हर जगह पर ये नेपोलियनिक कोड पहुँचाया गया। इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, हर जगह पर नेपोलियन ने अपनी मनमानी करनी शुरू करी, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाए, वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, पेजेंट्स को उनकी ड्यूटी से फ्री कर दिया, सारे टेरिफ्स, जितने तरीके कस्टम ड्यूटीज वगैरह थे सब कुछ हटा दिया और कॉमन सिस्टम ले आया। वो कॉमन वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम वो लेकर के आया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ये भी बहुत खुश थे कि अब तो यूनिफॉर्म लॉज हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर्स हैं, हम लोग बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये अलग क्वेश्चन बन सकता है गाइस, प्रॉब्लम ये हुई कि लोग किस तरीके से देख रहे थे इसको। जो एरियाज कॉन्कर किए गए, जहां जहां पर फ्रांस का राज चल रहा था वहां पर जो लोकल पॉपुलेशन थी कुछ खुश थे, कुछ नाराज भी थे, है ना। जैसे कि कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को वीडियो नहीं भी पसंद आ रहा है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस वीडियो के नीचे हेट कमेंट कर कर जाएं, तो हम उन्हें नहीं रोक सकते, है ना। बिल्कुल ऐसे ही फ्रांस के अंदर भी कुछ लोग तो बहुत खुश थे, कुछ लोग बहुत दुखी भी थे। इनिशियली बहुत सारी जगह पर जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉसो, यहाँ पर बहुत अच्छे से बाहें फैला कर फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया कि अरे आइए आइए, आप ही तो हैं हमारे देवता, अरे मोस्ट वेलकम, आप ही तो हमारे लिए लिबर्टी लेकर के आएंगे। इस तरीके से फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। अब वो आए, उनको लगा इन्होंने अपने देश में इतना अच्छा किया है तो हमारे देश में भी कुछ तो अच्छा करेंगे ही, ठीक है। जब आए तो बहुत अच्छे से वेलकम किया, लेकिन धीरे धीरे करके उनको ये रियलाइज हुआ कि जो फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें हमें पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल ही नहीं रही, हम पॉलिटिकली तो अभी भी बंधे हुए हैं क्योंकि हमारे ऊपर तो फ्रांस राज कर रहा है ना। तो टैक्सेशन इंक्रीज हो गया, सेंसरशिप इंक्रीज हो गई, ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। ऑल ऑफ दीज सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो अच्छी चीज़ें थी उससे ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से लोग फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का अच्छापन देखने में नाकामयाब हो रहे थे। सो टिपिकल हिंदी, वाओ, वेल डन मुस्कान। ओके, नेक्स्ट। तो ये थी फ्रांस की कहानी, ठीक है। फ्रांस के लोगों ने किस किस तरीके से खुद के नेशन में लिबर्टी ली, फिर धीरे धीरे करके बाकियों के लिबर्टी देनी शुरू करी और बाकी लोगों का किस तरीके का रिएक्शन था। वर्कशीट में तुम्हें ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि लोगों का रिएक्शन कैसा था, तो तुम उसमें बताना। मिक्स्ड रिएक्शन था, शुरू में बहुत अच्छा, बाद में बहुत बुरा, और बुरा क्यों था। अब हम जरा मिड 18th सेंचुरी की बात कर लेते हैं यूरोप की, जहाँ पर कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। जो लोग थक रहे हैं कि मैम और कितना पढ़ाओगे, थोड़ा सा सबर और कर लो, एक या दो पेज और पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन तक बस, ठीक है। चैप्टर मुझे पता है कि बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी, इजी चैप्टर है, तुम कर पाओगे आराम से।
अच्छा, अब मिड 18th सेंचुरी यूरोप की बात कर रहे हैं, जहां पर कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। तब वहां पर बहुत सारे किंगडम्स हुआ करती थी, डचीज हुआ करते थे, कैंटोन्स हुआ करते थे। हर किसी के रूलर्स अलग थे और हर किसी का अपने रूल, अपने टेरिटरी पर पूरा पूरा राज हुआ करता था। वहां पर लोगों के बीच में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन कल्चर नहीं हुआ करता था। सब लोग अलग लैंग्वेज बोलते थे, सबके अलग एथनिक ग्रुप थे। मतलब कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सूट पहन रहा है, कोई जीन्स पहन रहा है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हर कोई अलग तरीके से रहा करता था। इन्हीं में से एक एम्पायर था हैब्सबर्ग एम्पायर, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी इन सब पर रूल किया करता था। बहुत सारे एरियाज आते थे इसके अंदर, एल्पाइन रीजन, टायरोल, ऑस्ट्रेलिया, सटन लैंड, बोहिमिया, ये सब इसी के अंदर आया करता था, जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट कैसी थी? यहाँ पर वो लोग ज़्यादा थे जो जर्मन लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है? तो यहाँ पर रूल बेसिकली किसका चलता था? जो जर्मन लैंग्वेज में बात करते थे। कहाँ पर? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। थोड़े बहुत इटालियन बोलने वाले लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर जर्मन लोग थे जिनके पास में एरिस्टोक्रेटिक पावर थी, यानी कि बेस्ड ऑन द प्रिविलेज बेस्ड ऑन योर बर्थ। फिर हंगरी, ऑल ऑफ द पीपल स्पोक मैगर वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट। ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या बोलते थे? मैगर। बाकी के लोग कुछ और डायलेक्ट में बोलते थे, लेकिन आधा पॉपुलेशन तो इसी लैंग्वेज में बात किया करता था। फिर आधा है ग्लेशिया, जहाँ यहाँ पर भी एरिस्टोक्रेसी होती थी। जो एरिस्टोक्रेसी थी वो यहाँ पर पॉलिश में बात करती थी, पॉलिश लैंग्वेज में बात करती थी। तो ये तीन हो गए हमारे डोमिनेंट ग्रुप्स, ठीक है? जब मिड 18th सेंचुरी यूरोप के अंदर नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो वहाँ पर किंगडम्स, डचेस, कैंटोन्स एग्जिस्ट करते थे। हर किसी का अपना अपना रूल था और वहाँ पर ये तीन थे डोमिनेंट क्लासेस, जो कि एरिस्टोक्रेटिक पावर्स हैंडल किया करते थे, जिनके पास में एरिस्टोक्रेटिक पावर थी। इन सब के बीच में एक ही कॉमन टाई था, एक ही चीज़ थी जिससे हम कह सकते थे कि ये सारे लोग कॉमन है। वो क्या था? द कॉमन एलिजेंस टू देम एम्परर। कॉमन एलिजेंस का मतलब क्या होता है? एलिजेंस का मतलब होता है कि हम तो आप ही को मानते हैं, आप ही के लिए लॉयल हैं, जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। आप तो हमारे राजा हो, राजा की बात को हम कैसे टाल सकते हैं, है ना? तो ये होता है एलिजेंस। अब एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, अभी तक हमने क्या देखा? यहाँ पर प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ मिल रही हैं लोगों को, एरिस्टोक्रेसी चल रही है। अब मिडिल क्लास किस तरीके से आएगा? सोशली एंड पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेटिक क्लास डोमिनेंट क्लास हुआ करता था, सब कुछ यही लोग हैंडल करते थे, इनके पास में ही सारा जमीन होता था, पावर होता था। फ्रेंच बोलते थे ये लोग, डिप्लोमेसी के लिए हायर सोसाइटीज़ के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। इनकी फैमिलीज ऑफन आपस में ही ये लोग शादी करते थे। अब एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज आपस में ही तो शादी करेंगे, है ना? कॉमन सेंस, ये लोग आपस में ही शादी किया करते थे। ये लोग पावरफुल तो बहुत थे, लेकिन मतलब पावर इतनी सारी और लोग इतने से, न्यूमेरिकली दे वर अ स्मॉल ग्रुप। बहुत कम लोग थे जिनको पावर मिलती थी, लेकिन पावर इनके पास बहुत थी। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पेजेंट्री। ज़्यादातर लोग स्मॉल फार्मर्स थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, दूसरों के ज़मीन पर वो लोग काम किया करते थे। ज़्यादातर ज़मीन टेनेंट, स्मॉल ओनर्स, ओनर्स इन सब के पास में थी, ठीक है? अब धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आते आते 19th सेंचुरी हो गई थी। एक नया सोशल ग्रुप बना जो कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी। अब जब इंडस्ट्री मिली लोगों को, एम्प्लॉयमेंट मिली, एम्प्लॉयमेंट मिली तो क्या मिलेगा लोगों को? पैसा मिलेगा। इंडस्ट्रीज आई, पैसा आया और एक नया क्लास शुरू हुआ, मिडिल क्लास। अब तुम्हें समझ में आया मिडिल क्लास कहाँ से आया? पुराने टाइम में एग्रीकल्चर चलता था, धीरे धीरे करके मिड 18th सेंचुरी के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा और फ्रांस, जर्मनी में 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और इससे मिडिल क्लास इमर्ज हुआ। बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब लोग आए। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे। इनमें से जो लोग एडुकेटेड थे उनको पता था कि एरिस्टोक्रेटिक एम्पायर जो है ये सही चीज़ नहीं है। इन्होंने कहा हम एरिस्टोक्रेटिक पॉपुलैरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोगों को लिबरलिज्म चाहिए, लिबरल नेशनलिज्म चाहिए। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या चीज़ होती है? ये लिबरलिज्म जो है ये एक लैटिन वर्ड लिबर से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि
फ्रीडम, लिबर्टी, लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम। ये जो नए मिडिल क्लास लोग थे इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, मतलब सब लोग बराबर हैं और सब लोग फ्री हैं जो भी वो करना चाहें। ये मतलब था इनका लिबरलिज्म से। अब इसके अलग अलग मीनिंग आएंगे बच्चा। पॉलिटिकली इसका मतलब था कि गवर्नमेंट बनेगी लेकिन हमारे कॉन्सेंट से बनेगी, जैसी गवर्नमेंट हम बनाना चाहेंगे वैसी गवर्नमेंट बनेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कशीट का वन ऑफ द क्वेश्चन है ये। पॉलिटिकली इसका मतलब था गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑटोक्रेसी हटा दो और कॉन्स्टिट्यूशन ले आओ, ये होता है लिबरलिज्म। फिर इन्होंने बोला इक्वालिटी भी होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, क्योंकि राइट टू वोट सबको नहीं मिला था। इट वॉज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, जिन लोगों के पास में प्रॉपर्टी थी ये राइट सिर्फ उन्हीं को दिया जाता था। कुछ टाइम के लिए जैकोबिन क्लब्स का जब रूल चल रहा था तो अडल्ट, सारे अडल्ट मेल्स को मिल गया था, लेकिन फिर भी विमेन को राइट टू वोट नहीं मिला। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि फ्रांस में विमेन को राइट टू वोट कब मिला था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यार कि लिबरलिज्म आ रहा है तो सबको राइट टू वोट तो दो, है ना। थ्रू द 19th सेंचुरी एंड द अर्लियर 20th सेंचुरी विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन, इन लोगों को राइट टू वोट नहीं मिलता था और ये लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि हमें भी तो पॉलिटिकल राइट्स दो। फिर आता है सोशली लिबरलिज्म का मतलब, इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिकली इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस। मैं जिस मार्केट में चाहूँ मैं वहाँ पर जाकर अपना सामान बेच सकूँ, मुझे कोई बिना मतलब का आलतू फालतू का टैक्स नहीं पे करना पड़े, इसका मतलब होता है लिबरलिज्म अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्फीयर। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का। नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो आए थे उनकी वजह से ना बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज बन गई थी और 39 स्टेट्स थे, हर किसी की अपनी करेंसी, अपने वेट्स, अपने मेजर्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को 11 कस्टम बैरियर्स पे करने पड़ते थे, इतना पैसा तो उनका टैक्सेस पे करने में ही चला जाता था। फिर जब वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते थे तो वो 1 मीटर कपड़ा कहीं 1.5 मीटर, कहीं 2 मीटर, कहीं 1/2 मीटर, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाता था। अब अलग MCQ यहाँ से ये बनता है, LA जो मैंने तुमको कपड़े का एग्जाम्पल दिया ना, हम लोग मीटर में कैलकुलेट करते हैं, ये लोग LA में कैलकुलेट करते हैं। वॉट इज LA? LA इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लोथ पुराने टाइम का, ठीक है, ये होता है LA। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को यहाँ पर, लिबरलिज्म में प्रॉब्लम क्या थी कि कस्टम बैरियर्स बहुत थे, कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ रही थी, कोई भी कॉमन तरीका नहीं था वेट्स और मेजर्स का। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स। अब ये चीज़ें एज ऑब्स्टिकल्स काम करती थी कि यार हम तो परेशान हो रहे हैं, हम किस तरीके से काम करेंगे। 1934 के अंदर एक कस्टम्स यूनियन बना, ध्यान रखना 1934 में एक कस्टम्स यूनियन बना जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। कहाँ पर बना? पर्शिया में बना। बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन भी किया। यहाँ पर जो टोटल 30 करेंसीज थी ना, अब वो सिर्फ 2 रह गई थी, 30 से करेंसीज रह गई थी, 2 कॉमन वेट्स मेजर्स आ गए थे। तो यहाँ से इकोनॉमिक नेशनलिज्म की शुरुआत हुई और ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। अब लास्ट टॉपिक आज का हमारा, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद में ना कुछ चेंजेस हुए और लोगों ने कहा कि यार ये सब जो तुम कर रहे हो ना ये नहीं चल रहा है, जो जैसा पहले चल रहा था ना वैसा ही चलने देते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादातर बिलीव करते थे मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली के अंदर। इन्होंने बोला कि मॉडर्नाइजेशन जो है ना वो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर सकता है, आप कोशिश तो करो, ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा पहले था सेम वैसा सिस्टम लाएं हम, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ में हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अ ब्लेंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड मॉडर्न रिजाइम्स। तो इन्होंने बोला कि मॉडर्न आर्मी क्योंकि बहुत एफिशिएंट है, वो क्या कर सकती है, फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स को किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेंथन कर सकती है। तो 1815 के अंदर यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया,
ये चार लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया, वेन्या में मिले और वहां पर जाकर के एक ट्रीटी साइन करी। कांग्रेस होता है बेटा यूनिटी, तो इसको होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटर्निच, इसने इसको होस्ट किया था। कौन कौन गया था इसमें? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, चार लोग गए थे। होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निच ने। ये सब लोग मिले, इन्होंने ट्रीटी ऑफ वेनिया साइन करी 1815 में, और इन्होंने कहा कि जो जो चेंजेस आज तक यूरोप में हुए हैं, जो चेंजेस आए ना कि ऑटोक्रेसी हटा दी, हम लोग न्यू तरीके का गवर्नमेंट लेकर के आए, वो सारे चेंजेस हम हटा देंगे। बॉबन डायनेस्टी जिसको एकदम तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको वापस से पावर दिया। फ्रांस की जो जो टेरिटरीज खो दी थी, सॉरी जो जो टेरिटरीज फ्रांस ने ऑक्यूपाई की थी नेपोलियन के राज में, वो सारी टेरिटरीज वापस से वो लेकर के आए। ठीक है, वो सारी टेरिटरीज फ्रांस से उन्होंने छीन ली और वापस से उनको ऑटोक्रेटिक बना दिया। नेदरलैंड का किंगडम, बेल्जियम का किंगडम, हर किसी को इन्होंने वापस जैसा पहले हुआ करता था बिल्कुल वैसा ही बना दिया। ऑस्ट्रिया के पास में नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल भी दे दिया। लेकिन जर्मनी के अंदर जो 39 स्टेट्स नेपोलियन ने बनाए थे उनको किसी ने नहीं छेड़ा, वो बिल्कुल वैसे ही चल रहे थे। रशिया को पोलैंड दे दिया, पर्शिया को सैक्सोनी का थोड़ा सा एरिया दे दिया। मेन इंटेंशन क्या था कि जहाँ जहाँ पर मोनार्की को खत्म किया है वहां पर मोनार्की को फिर से लेकर के आया जाए। तो इन्होंने वापस से ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए, सेंसरशिप लॉज आ गए फिर से, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, हर चीज़ पर सेंसरशिप लॉज फिर से शुरू हो गए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो जो चीज़ें लोगों ने सीखी थी वो आज भी लोगों को इंस्पायर कर रही थी। अब द रेवोल्यूशनरीज हम पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में। ये लास्ट टॉपिक है रेवोल्यूशनरीज वाला, दिस इज द लास्ट टॉपिक, बस इतना और पढ़ना है। अब देखो क्या किया, सारा कुछ वापस से पहले जैसा हो गया है ना। तो अब जो बेचारे नेशनलिस्ट थे वो थोड़ा डरने लगे कि यार हम लोगों को तो लोग पकड़ करके मारेंगे। तो इसीलिए सीक्रेट सोसाइटीज आई। सीक्रेट सोसाइटीज क्यों आई? क्योंकि सब कुछ पहले जैसा हो गया था, ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स आ गए थे, तो नेशनलिस्ट लोगों को छुप छुप कर काम करना पड़ रहा था, तो सीक्रेट सोसाइटीज बनी। मोनार्कियल फॉर्म जो वेनिया कांग्रेस के बाद में आया था, ये सीक्रेट सोसाइटीज उसके अगेंस्ट लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट कर रही थी। ज़्यादातर रेवोल्यूशनरीज ने समझा कि अब नेशन स्टेट्स तो बनाने पड़ेंगे। हमने देखा ना अभी तो यूरोप में नेशन स्टेट्स थे ही नहीं, वापस से लाने हैं नेशन स्टेट्स, तो कैसे लाएंगे? तो इस तरीके से सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। इन्हीं में से एक इंसान थे गुसेप मेज़िनी। कौन है गुसेप मेज़िनी? इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये वो इंसान है जिसने इटली को यूनिफाई किया था, इटली को नेशन स्टेट बनाया था। इनका जन्म हुआ था 1807 के अंदर, सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे ये, 24 इयर्स के थे, इनको उसी टाइम पर एग्जाइल भेज दिया गया 1831 के अंदर, क्योंकि इन्होंने रिवोल्ट कराने की कोशिश करी थी। इन्होंने लेकिन दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, पहली बनाई यंग इटली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मार्शल्स, दूसरी बनाई यंग यूरोप इन बर्न। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर सारे यंग मैन थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी के, सब लोग एक ऐसा सोचते थे, और इसने ये बनाया और कहा कि God had intended nations to be the natural units of mankind. इसने बोला कि ये मेरा आइडिया नहीं है, नेशन स्टेट बनाने वाला आइडिया मेरा नहीं है, ये तो भगवान का ही आइडिया है, तो हमें बनाना ही चाहिए। तो इसने बोला कि हमको सारे लोगों को ना एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक में बना देना चाहिए, एक सिंगल नेशन में बना देना चाहिए। इसी के मॉडल को फॉलो करते हुए बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी बनने लगी। मज़िनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, इससे कंजर्वेटिव थोड़ा थोड़ा डरने लगे। जब उन्होंने ये देखा कि गुसेप मेज़िनी तो बहुत स्मार्ट है, उसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बना ली जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर भी बन रहा है, तो कंजर्वेटिव थोड़ा सा इससे डरने लगे कि यार ये बंदा कुछ तो खतरनाक करेगा। मेटर्निच कौन है? कौन है मेटर्निच, याद है? अभी देखा था चार लोग जो कांग्रेस बना था, उस कांग्रेस को होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटर्निच ने। कौन है मेटर्निच? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने इसको बोला कि ये तो मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में इन पार्ट 2 ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए प्लीज़ अपनी वर्कशीट कंप्लीट करें, जो आपको वर्कशीट मिली है
टेलीग्राम पर जाकर के एमसीक्यू सॉल्व करें, अपने सारे डाउट्स आपको पता है कि कहाँ पर भेजने हैं, learnwithmuskan@17@gmail.com, ईमेल आईडी तुमको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट येट.